Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश लहरे आपका स्वागत करता हूं मेरे इस फैक्ट से जुड़े नए नए कुछ जानकारी कुछ नया सीखने के लिए इस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं आज का कुछ नया। क्या सांपों को पालकर रखा जा सकता है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने पर क्या फीस देना पड़ता है? मैगी में कितना कैलोरी होता है? और क्या भारत में किसी महिला या स्त्री या कोई लड़की को घूरने पर कानूनन अपराध है? इंद्रधनुष में सबसे ज्यादा कौन सा रंग दिखाई पड़ता है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो पर एक समझदार इंसान और एक सामान्य इंसान में सबसे ज्यादा गुस्सा और जल्दी गुस्सा समझदार इंसान को आता है। इंद्रधनुष में तो 7 रंग होते हैं, पर लाल रंग ही हमें ज्यादा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसमें प्रकाश को विश्लेषण करने की क्षमता होती है। अधिक विश्लेषण करने के कारण से लाल रंग हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और बाकी रंग थोड़ा कमजोर दिखाई देता है। भारत में किसी लड़की को 14 सेकेंड तक के घूर घूर कर देखने पर 294 और 509 के तहत जेल भी जाना पड़ सकता है। यह भारतीय कानून में लागू है। सांपों को क्या पाला जा सकता है? अगर आप सोचते हैं कि सांपों को अगर पाला जा सकता है तो यह गलत है, क्योंकि सांप एक पालतू पशु नहीं है। उसके पास सोचने की क्षमता नहीं होती, जिसके कारण से वह पालतू पशु के कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। अगर आप सोचते हैं कि सफेरा सांप को रखता है, पाल के रखता है, तो यह गलत है। सफेरा उसे कैद करके रखता है, ना कि उसे पाल पोस कर रखता है। हालांकि उसे खाना वगैरह दिया जाता है, बट उसे पाला नहीं कहा जा सकता, उसे कैद कहा जा सकता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने पर 15 लाख रुपए फीस देना पड़ता था, पर नेपाली सरकार ने 2015 में उसे घटाकर 7 लाख कर दिया। तो क्या आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहते हैं? मैगी में 385 कैलोरी होता है, जिसे पाचन करने के लिए कम से कम आधा घंटा दौड़ना पड़ता है और कम से कम 65 मिनट तक के पैदल चलना पड़ता है, तब जाके पाचन क्रिया होता है। मैगी का एक पैकेट में 385 कैलोरी उपस्थित होता है। देर रात तक जागने से और नींद पूरी नहीं होने से आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। और आखिरी में मेरा एक प्रश्न है, भारत दुबई से कितनी दूर पर स्थित है? और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नए नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबा दें और नए नए जानकारी सीखने के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।